अल्टेटेक और अक्तिमोर का मामला काफी अरसे से चल रहा है। हमें जल्द इनकी शादी करनी होगी। वालिदा, क्या आपने वही कहा जो मेरे कानों ने सुना? अभी तो बाबा का इंतकाल हुआ है। अलचेचक ठीक कह रही है, हमें उकताम साहब के 40वें से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा उकताम एक शहीद है, वो नहीं चाहेंगे कि कोई मातम करे। और ये मसला भी काफी बढ़ चुका है, हमें लोगों को भी चुप करवाना है। बेंगी खातून, मुझे नहीं लगता अक तैमूर इसे अच्छा गुमान तसव्वुर करेगा। बराए करम थोड़ा इंतजार करें, कम से कम हम। मैं कह चुकी हूं, या तो जल्दी ये शादी होगी या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। फैसला आपका है बेंगे खातून। अभी तो जनाजा उठा है, जल्दी किस बात की है? क्या बात है जो हम नहीं जानते? नायमान का असल हदफ क्या है, वाजे कीजिए। अलखानी हाकिम गजल महमूद खान के कबूलियत इस्लाम ने कमांडरों और मंगोलों में एक अजीब सी अफरा तफरी फैला दी है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अनातोलिया की हुक्मरानी ना मिलने की वजह से सुरमिश ने बगावत का आगाज किया। नाइमान और उसका भाई तलाई इस बगावत को बढ़ा देना चाहते हैं। अच्छा, जो जिसका हकदार है उसे मिलकर रहता है, उन्हें आपस में लड़ने देते हैं, लेकिन उनका असल हदफ रियासत का कयाम है। तलाई मुमलिकत रियासत में लश्कर जमा कर रहा है और नाइमान यहाँ मजबूत हो रहा है। नायमान अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता हमारे खिलाफ, लेकिन उसकी चालें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन उनका बनाया गया इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ इस्लामी सरजमीनों पर जुल्म की बुनियाद बनेगा। हरगिज फिक्र मत कीजिए, जब तक मुझ में आखिरी सांस बाकी है मैं दिफा करूंगा। उस्मान साहब, इसीलिए देखा जाए तो सिर्फ आपका परचम बुलंद है, इसलिए ताकत और शुजात सिर्फ आपके पास है उस्मान साहब, और सिर्फ आप ही उसे रोक सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। खलीफा की तरफ से बताओ वहां क्या हो रहा है। कौनिया हमारे मातहत है कमांडर, सुल्तान अलाउद्दीन सिर्फ हमारा साया है। इसमें हान सुल्तान वो असल खतरा है, वो मुर्दा रियासत को दोबारा जिंदा करना चाहती है। इसमें हान वालदा सुल्तान, वो बंद पिंजरे में चालें चल रही हैं, लेकिन मैं इसकी तमाम चालों को एक एक करके तबाह कर दूंगा। अगर उसने गलती की तो उसका बेटा अलाउद्दीन हमारा साया भी नहीं रहेगा, वो मरेगा। मैं उस्मान के साथ साथ वालिदा सुल्तान से भी जंग करूंगा।
आपके जहन में क्या है कमांडर नायमा? आवाज आ रही है, वो आ रहा है। हमारे ख्याल से ये कहीं ज्यादा हम है। खलीफा हजरत का हमसे ये कहना है। वैसे क्या मुसलमानों की बाकी रियासतें जानती हैं इस बारे में? उन पर ये मामला आश्कार है, लेकिन वो गाफिल हैं उस्मान साहब। गजन खान ने इस्लाम कबूल किया लेकिन कुछ नहीं बदला। मुमलिकत रियासत में तुर्क सरदारान अपने दुश्मन तालाई को मदद फराहम कर रहे हैं। उस्मान साहब, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो गुस्से और नफरतों से भरे हुए हैं, और वो गफलत में डूबे हुए हैं, और उनमें से कुछ अपना मफाद देखते हैं। सूरत हाल ठीक नहीं है। समझ गया। ऐसे लोग हैं यकीनन जो जाती मफाद की बजाय हक का इंतखाब करते हैं, गफलत से बहुत दूर हैं। हैं कुछ लोग ऐसे इंतकाम की बजाय निजामे आलम के लिए तलवार उठाने वाले कुछ लोग हैं। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? क्या आप नायमान की तरफ से कमांडर बनने की पेशकश कबूल करेंगे, उसकी अतात करेंगे? क्या जानते नहीं आप ये? मैं तो उसे कबूल करने वाला था बहुत पहले ही। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए शुजाहत ही काफी है, लेकिन दुश्मन के घर में घुसने के लिए अकल की जरूरत होती है उस्मान साहब। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन दोनों चीजों से महरूम नहीं है। जंग मुबारक हो आपको उस्मान साहब। आपको भी मुबारक हो। सलामत रहिए। सलामत रहें। याजूज माजूज, पता नहीं ये लोग क्या खाकर बड़े हुए हैं। वजीर सावेली, ताजिर की बदौलत तुम्हारी जिंदगी बच गई। कान खोलकर सुन लो, मेरे हुक्म के तले आओगे सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी नस्ल भी बच जाएगी। सिर्फ इन सरजमीनों पर ही नहीं, बल्कि पूरे जहां में तुम तिजारत करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले ही इन सरजमीनों का सबसे बड़ा ताजिर हो। कमांडर नायमान, बाइंदर
एक अच्छा इंतखाब है। कौनिया में हमने उस्मान के साथ जो कुछ किया उसमें ये शामिल थे। जानता हूं मैं, सब जानता हूं मैं। सुल्तान के साथ गद्दारी करोगे ताजिर। उनसे लड़ने के लिए पहले ही एक वजह मौजूद है। दो संदूकों से तुम मुझे कायल नहीं कर सकते। सिर्फ सोने के दो संदूक नहीं, तुम्हारी जान पर भी मेरा हक है। वजीर साबेले, शुरुआत से ही तुम्हारी तरफदारी मुझे अच्छी तरह मालूम थी। मैं एक होशियार आदमी हूं बाइंडर, मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा। उस्मान ने मुझसे सोना चुराया है, जानते हो ये बात? सबसे पहले तुम उस सोने के बारे में मालूम करोगे ताजिर, और इसके बाद वालिदा सुल्तान के हर कदम के बारे में मुझे बताओगे। उस्मान और उसके दरमियान होने वाली हर बात मुझे बताओगे, हर खबर मुझ तक पहुंचाओगे। इस चीज से तुम्हारे लिए हर दरवाजा खुल जाएगा, रास्ते आसान हो जाएंगे ताजिर। आला आला, चंगेज खान का निशान। तुम कहाँ हो? यहाँ कोई है? बोरान, भाई सुंगुर, कहाँ हो सब? यहाँ कोई है? सब कहां गए? अलगन खातून, सब लोग कहां चले गए? वो जंग में गए हैं अजीर कुताए, आप भूल गए? हाँ, हमने नगुल हासिल कर लिया। हासिल कर लिया, और ये सब गुरबुज सिपाही की बदौलत मुमकिन हुआ। किसकी बदौलत? क्या कहा, गुरबू सिपाही की बदौलत? दरवाजा तुमने खोला था और मैंने तुम्हें बचाया था। गुरबूज ने क्या किया? उसने ऐसा क्या किया जो उसकी बदौलत मुमकिन हुआ? मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, गुरबूज ने कुछ नहीं किया। तो आपको क्यों जलन हो रही है गुरबू सिपाही से?
क्या? मैं गुरबुज से क्यों जलूंगा? मैं नहीं जलता उसे, समझ लो तुम। दिख रहा है। तुम जलते हो, मुझसे जलते हो तुम। गुरबुज वाकई एक हुनरमंद सिपाही है, वो एक मजबूत सिपाही है, जानते हो? वो तुमसे ज्यादा खाता है। मैं नहीं जलता, मैं उसे नहीं जलता। अगर गुरबुज सिपाही बावर्ची खाने में नहीं आ सकता तो आप भी नहीं आ सकते, समझे आप? अलगन, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। अलगन, अलगन, मैं तुमसे कुछ, जयकुताए आप उठ गए। अल्लाह का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र हुआ। ये जाग गया है, अभी तुम्हारी नींद पूरी हो गई है ना जयकुताए? ये पिए जयकुताए, ये पियो जयकुताए, पियो, ये पियो। ये तुम्हें शिफा देगा गुरबुज। दूर हो जाओ मुझसे। जा रहा हूं मैं, जाकर कुमरार अब्दाल को खुशखबरी सुनाऊंगा। जयकुताए, यानी हम सब डर गए थे, सिर्फ मैं नहीं, हर कोई आपके लिए खौफजदा था, और बुरान तो मुझसे भी ज्यादा रो रहा था। तुम एक दलेर बाप की बेटी हो, तुम किसी से नहीं डरती। मैं नहीं डरती, नहीं डरती, लेकिन सिर्फ काफिरों से नहीं डरती। मुझे डर था कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, इस वजह से सभी परेशान थे चेरकुताए। खैर जो भी हो, मैं आपके लिए शोरबा बनाकर लेकर आती हूँ अभी, ठीक है? बस अभी आई। रुको अलगन, मैं भी डर गया था, शायद तुम कले से जिंदा नहीं निकल सकोगी, इसलिए मैं डर गया था अलगन खातून। मगर तुम सही सलामत वापस आ गई हो। मेरा भाई अब महफूज है, अब मुझे सजा दे सकती हैं, जो कहेंगी मैं राजी हूं। अगर तुम ये कह रही हो तो तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ है ना इस्मा? जानती हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं, जो सजा देंगी मैं राजी हूं।
अगर ये गलती तुम अपने भाई को बचाने की वजह से ना करती तो उस दिन मैं वहीं तुम्हारी जान ले लेती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तुम मुझसे वादा करोगी, तुम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगी? कभी नहीं, कभी नहीं। सबक सीख चुकी हूं, बहुत लोगों को दुख पहुंचाया, आप मुझे सजा दे, ऐसी सजा दे कि आखिरत की सजा से बच जाऊं। मैं तुम्हें माफ करती हूं इस्मा, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहकर अपनी गलती की तलाफी करोगी, समझ गई तुम? मैं आपसे वादा करती हूं, आपसे वादा करती हूं, मैं आपके बेटों की हिफाजत करूंगी, इस सब की तलाफी करूंगी मैं। ये जरा मुझे क्या सूरत हाल है? हम तैयार हैं उस्मान साहब, तैयार हैं, बस आप हुक्म दें। तो कहो जो कहना है, ज्यादा वक्त नहीं है, सुन रहा हूं, कहो। आप उन गिदड़ों के झुंड में जा रहे हैं जो हमें मारना चाहते हैं, ना जाएं। डरो नहीं, यहां सब कुछ हमारा है, हम अगर नायमान ना पसंदीदा मेहमान है, या वो खत्म हो जाएगा या दफा हो जाएगा सरजमीन से। हम वहां मरने नहीं बल्कि खुद को उनके हवाले करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह जनाब। फिर भी आपको मुहतात रहना चाहिए, छोटी सी गलती से शिकार और शिकारी जगह बदल सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे उस्मान साहब? गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास, हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है, वक्त आ गया है, उन कैदियों को रिहा कर दो जाके। जो हुकुम जनाब, जो हुकुम जनाब। दुर्गुत, मेरे गैर मौजूदगी में मेरे सारे बहादुर सिपाही और मेरी कमान तुम्हारे हवाले होंगे। आपका कलाम मेरी तलवार में गूंजेगा, सही वक्त पर आपके बताए हुए मकाम पर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ सही होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कहा सुना, माफ करना। हमें भी माफ करना जनाब। माफ करता हूं जनाब, माफ करता हूं। आप हमें भी माफ करें जनाब। माफ करता हूं, माफ करता हूं। उस्मान साहब, मोहतात रहिएगा, मिलकर बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, बहुत कुछ करना बाकी है, सही कहा। ये काम हो जाए पहले, फिर हर चीज से निपट लेंगे। अब मेरी बात सुने गौर से। ताजिर वही लाएंगे जो हम उन्हें लाने को कहेंगे, और तुम मेरा उन जमीनों पे सांप बनों की सवेली सुन लिया वजीर? जो आपका हुक्म कमांडर नायमान। इस्मेहान सोचेगी कि तुम उसके साथ हो, जो कुछ हमारे ताजर नहीं ला सकते हैं वो तुम हमारे लिए लाओगे। अब एक बड़ी आग लगने वाली है जो हमारे दुश्मनों को जला देगी और हमारे साथियों को गर्माइश देगी। जाओ, उस आग के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आ जाओ, जाओ।
पहले आप कारवान पर हमला करेंगे और ये आपकी पहली चाल होगी। मेरे पहुंचते ही वहां से खबर आ जाएगी। मैं नायमान से ये कहूंगा कि उसके लश्कर के अंदर बगावत की चिंगारी भड़क उठी। जो लोग ये जानेंगे कि नायमान ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो करारगाह की तरफ जाएंगे और ठीक उसी वक्त तुम कैदियों को रिहा कर दोगे। जनाब, क्या वो मुसलमान गजन खान के लश्कर में शामिल नहीं? वो हमारे मजहब के खिलाफ क्यों है? नहीं, ये वही लोग हैं जो गजन के खिलाफ है। ये वो लोग हैं जो इस्लाम को सरजमीन से खत्म करना चाहते हैं। नायमान ने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे ही वो जानेंगे उन्हें लगेगा उनके साथ धोखा हुआ है और यूं शुरू होगी बगावत। फिर क्या जनाब? मैंने जो कहा वो सच हो जाएगा। नायमान को मुझ पे भरोसा करना ही पड़ेगा। वो सोचेगा कि मैं उसका महाफिज हूं और उसके बाद असल मसला वो मुझे उस रियासत के बारे में हर चीज बताएगा जो वो कायम करना चाहता है। हकीकत जानने के ख्वाह जो होते हैं वो आग पर भी चलते हैं और आग का राज वही जान सकता है जो उसके अंदर जलता है। ऐसा ही है। देखते हैं उस्मान और इस्मेहान जलेंगे आग में या गरमाइश हासिल करेंगे। गुप्ता लाए, गुलामों को भेज दो, वो आने वाले कारवां का इस्तकबाल करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं कमांडर नायमान? आ जाओ। वो उस्मान आ रहा है। आने दो उसे। ये कैसे हो सकता है वालिदा? हमने कल ओक्ताम साहब को दफन किया है, लोग क्या कहेंगे? हमने उसे कहा बेटा, मगर बेंगे खातून बहुत साबित कदम है। उनका कहना है कि अगर अभी आपने शादी ना की तो फिर मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। खातून का मकसद क्या है? आखिर क्या चाहती है वो? कुछ है मेरे जहन में, मगर क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ बाला? बेंगे खातून चाहती क्या है? उक्ताम साहब का बेटा नहीं है कोई, हम जानते हैं। यही वजह है कि अकेली वारिस है उस ओहदे की बेंगे खातून, लेकिन बाकी के सरदारान इस पर एतराज करेंगे, इसलिए बेंगे खातून चाहती हैं कि वालिदा
मेरे बेटों, फतह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अल्लाह है, फिर आप एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। होशियार रहना, ठीक है? चलिए, अवाम को चलकर उनका सोना दे देते हैं और अपने कबीले की मदद करते हैं। चलो सिपाहियों और सारी ख्वातीन तैयार हो जाएं। चलिए चलो। तक जवाब नहीं दिया, इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस्मान अब बोलेगा, फिर हमें पता चलेगा कि उसकी तलवार हमारे मातहत है या उसका सर हमारी तलवार के नीचे होगा। मेरी जो तलवार है सिर्फ मेरे रब के हुक्म के तहत चलती है। मेरे रब का हुक्म है कि अपने लोगों की हिफाजत करो, इसीलिए अपने लोगों की हिफाजत करो। हम एक साथ चलेंगे, लेकिन यह ना समझना कि तुम्हारी धमकी या तुम्हारी तलवार से डर गया हूं मैं। मुझे यही उम्मीद थी, अगर तुम डरने वाले होते तो यहां कभी नहीं आते। बहादुर हो तुम, अपनों का ख्याल रखते हो, उनके लिए जान की बाजी लगाते हो, इसीलिए तुम अब तक जिंदा घूम रहे हो। बोलना मत कि रोज मरते हैं बुजदिल, लेकिन बहादुर हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरे गुलामों के सामने मेरे वफादार बनो, ताकि फिर कोई भी दोबारा तुम्हारी बेइज्जती ना कर सके। फिर क्या सोचा उस्मान? मैं काई सरदार हूं, इन सारी तुर्क सरहदों का मालिक उस्मान सरदार हूं मैं। मेरा हर कदम अब से कमांडर नायमान की मर्जी पर उठेगा। तुम्हारे कहने पर हमला करूंगा, तुम्हारे कहने पर जान लूंगा। सही से नहीं सुन सका हूं मैं तुम्हें, दोहराओ फिर उस्मान। सब सुन लो आज से, मेरा हर कदम ईमानदार नायमान की मर्जी पर उठेगा। पास रखो इसे, तुम्हें मैंने मारा क्यों नहीं और यहां पर क्यों बुलाया जानते हो तुम? जानते हो उस्मान? क्या वजह है? तुम्हारे जैसा मैं यहां पर कोई भी नहीं देखता हूं, वरना पहले दिन ही मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता। चलो अंदर चले, करने के लिए और भी बातें हैं।
वो आ रहे हैं। कमान खींचो बोरान, आज हम शिकार करेंगे। तैयार रहो। वो हथियार और सामान जो कारवां लेकर जा रहा है नाइमान के लिए अहम है। जब हम हासिल कर लेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। जब हम उसे ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे तो ये उससे ज्यादा होगा जो वो हमें पहुंचा रहा है। इंशाल्लाह तुर्कुत भाई, इंशाल्लाह। तीर चलाओ। या हक। तैयार करो। उस्मान, ये भेड़ खास तौर पर जंगजुओं के लिए पाली जाती है। असली जंगजू ही इसके हकदार हैं। ए शुक्रिया, शुक्रिया। शर्फ बख्शा नाइमान। शुरू करो। फिक्र की जरूरत नहीं, मुसलमान कसाई ने काटा है इसे। हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो बताओ फिर। मेरे मुसलमान होने से मसला क्या है तुम्हें? एक फर्मा बरदार मुसलमान कोई मसला नहीं है मेरे लिए, एक आसान शिकार है बस। तो वो गजन खान? हकीकत यह है कि तुम्हारा हुक्मरान मुसलमान है, क्या वो तुम्हारे लिए मसला है? मैं जिसकी क़यादत करता हूं वो मुसलमान हो सकता है, लेकिन मेरे ऊपर वाला नहीं। हसन खान ने एक इंतखाब किया, वो उसकी कीमत अदा करेगा, और तुम जो इंसान मुसलमान नहीं है उसकी खिदमत करने जा रहे हो, क्या तुम इस बात से मुतमईन हो? मेरा मकसद सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करना है, और उनकी हिफाजत के लिए मैं हर उस शख्स की खिदमत करने को तैयार हूं जिसकी खिदमत करनी पड़ेगी। अब तुम बताओ जरा तुम्हारा क्या है मकसद, गजन खान के बारे में क्या इरादा है? इससे दूर रहना ही मेरे लिए काफी है, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, और मैं देख रहा हूं कि रास्ता रियासत की तरफ जाता है। मैं रियासत बनाने जा रहा हूं उस्मान। रियासत यहां? रियासत कायम करना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी उसके लिए मंसूबाबंदी कैसी? ताकत हथियार है, ताकत सोना है, लश्कर आ रहे हैं सोने और तलवारों से भरे कारवान भी, और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, वो मुझे ताकतवर बना देंगे, बहुत ज्यादा ताकतवर। उसे इस्तेमाल करके मैं रियासत बनाऊंगा। क्या हमें हमारा हिस्सा मिलेगा तुम्हारे सोने से? तुम बस मेरे वफादार रहो उस्मान, खिदमत करो मेरी, समझे? तो सोना भी तुम्हारा, तलवारें भी। शुक्रिया शुक्रिया। तो उस सूरत पहली खिदमत के तौर पर तुम्हें खबरदार करता हूं, कोई कबीला नहीं सुनेगा तुम्हारी, वो तुम्हारे कारवां पर हमला करेंगे। सरहदें महफूज नहीं है, ये ऐसी ही है, कारवां पर हमला करेंगे वो। कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता उस्मान। तो चलो ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। नाइमान को हम बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। तुम्हारे लिए हलाल है सिपाहियों, हमें जो कुछ मिला है हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा है। ये क्या है तुर्कुत भाई? ये काफलों का नक्शा है, इससे हमें नाइमान के काफलों का पता चल जाएगा। इस तरह से हमें उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, उन सबको तबाह कर देंगे। हे माशाल्लाह, आपने सही कहा, जो कुछ हमें मिला है वो तवक्का से ज्यादा है। जानते हो ये गुनाह है कोतान? तुर्कुत भाई,
चलिए नायमान को रेशम से बना जोड़ा पहनाते हैं। बिल्कुल ठीक है बोरान, हमारी इंसानियत कब से मर गई? नहीं पता। मगर जनाब, रेशम मर्दों के लिए हराम नहीं है? मर्दों के लिए हराम है, उस कमजफ नायमान के लिए नहीं। नायमान अपनी गलती की वजह से पागल हो रहा होगा। ऐसा ही है, उस्मान साहब का मंसूबा काम कर गया, लेकिन ये अभी शुरुआत है, अभी आधे सफर पर हैं। सारा सामान भरो और लोगों में तकसीम कर दो। चलो चलते हैं। क्या कहना चाहते हो बाइंदर? कह सकते हो। माफ कीजिएगा वालिदा सुल्तान हजरत, दुरुस्त फरमाया। आप जानती हैं कि काफी अरसे से मैं अपनी तिजारत से दूर रहा हूं, सोचा कि जरा निकलकर अपनी तिजारत की जगह को ही देख लिया जाए। कल का कुछ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उस्मान साहब के जहन में मेरे हवाले से क्या चल रहा है। क्या वो मेरी दुकानें तबाह करने का इरादा नहीं रखते? आपको क्या लगता है, वो ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे बाइंदर, अब हम उस्मान साहब की तरफ हैं। जहां तुम जीतोगे वहां उनकी भी जीत होगी। आपको हर चीज अच्छी तरह से मालूम है। आज तक जो कुछ आपने कहा सच साबित हुआ वालिदा सुल्तान, लेकिन मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के ही पास है। कल तक हम लोग उस्मान साहब के साथ गुत्थम गुत्था थे, लेकिन आज जैसे कि मैंने कहा, आप सबसे बेहतर जानती हैं। अगर आप कहती हैं कि हम दोस्त हैं तो फिर दोस्त हैं, और अगर आप कहती हैं कि हम दुश्मन हैं तो हम उनके खिलाफ तलवारें निकाल लेंगे। नायमान सिर्फ उक्ताम साहब के सर से मुतमईन नहीं होगा बाइंदर, अगर हम नायमान के साथ खड़े हुए तो तमाम तुर्कों को खो देंगे, और अगर उस्मान साहब के साथ खड़े रहे तो तमाम तुर्कों का एतमाद हासिल कर लेंगे, और हमारे पास नायमान को इन जमीनों से निकालने का मौका होगा। वालिदा सुल्तान हजरत, उस्मान साहब कौन है कि हम उनके साथ मिलकर नायमान से छुटकारा पा लेंगे? लेकिन फिर भी सबसे बेहतर जानती है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उस सोने की फिक्र है उस्मान साहब ने जो दूसरे सरदारान से हासिल किया था, वो सोना अभी तक नहीं मिला मुझे। उस्मान साहब जरूर कुछ जानते ही होंगे, तुम सोने की फिक्र हरगिज ना करो। तुम जाओ और जाके वालिदा सुल्तान के नाम से मोहताज लोगों की मदद करो। जो आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। बाइंदर भटकता हुआ नजर आ रहा है जलाली, उस पर भरोसा नहीं रहा। मैं उसकी हर हरकत से खबरदार रहना चाहती हूं। जैसे आप मुनासिब समझे वालिदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान जनाब, वो मेरा सर उतारने वाली थी, मेरा सर, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उस्मान साहब का साथ दिया था, लेकिन अब क्या बदला? मैं कौन हूं बताओ? उसने मुझे कहा कि अब हम उस्मान साहब का साथ देंगे। इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन आम खबर है मेरे पास। जल्दी बोलो। अब तैमूर और कुछ खवातीन सोना लेकर निकल चुके हैं अपने रास्ते पर। तो ऐसा है,
अच्छा तो उस्मान साहब यकीनन सोना खवातीन के साथ भेजेंगे। बेहतरीन, हम जल्द से जल्द सोने के पीछे जाएंगे। अब हम खुद मुख्तार हैं हुसैन, अब हम अपने मफाद के लिए काम करेंगे, सिर्फ अपने मफाद के लिए। चलो हुसैन। कमांडर नायमान, कारवान पर हमला हुआ है जनाब। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ उस्मान? चूंकि यह सरजमीन मेरी है नायमान, मैंने तुम्हें बताया वो मैं हूं जो यहां की हर चीज के बारे में जानता है। अब तुम यही देख लो कि तुम अपना एक कारवां खो चुके हो। हम अगर कारवां पर हमला किया जाएगा उसके बारे में एक कमांडर ही जान सकता है। अगर तुमने मेरे साथ काम किया 10 गुना ज्यादा कमाओगे। तुमने ठीक कहा, बिल्कुल कारवां पे हमला हो सकता है। आज से मेरी हिफाजत तुम करोगे। हाँ ऐसा ही होगा। इस कारवां के मसले से पहले रियासत की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ जरा, सोने की और हथियार की बात हो गई, लेकिन हमें सिपाहियों की भी जरूरत है। लोग कहां से आएंगे, ये कैसे होगा? तुम्हारे ख्याल में रियासत ऐसे बनती है? हाँ उस्मान, हमने इसके बारे में सोचा, हमने इस पर अमल किया। मैं कबाइल से मुसलमान बच्चे जमा कर रहा हूं, हम उनकी तरबियत करेंगे, वो मेरी खिदमत करेंगे। इस बात से तुम परेशान नहीं होते? मेरे कबीले में जब तक तुम कदम नहीं रखोगे मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो कहीं ना कहीं मेरे दुश्मन है वो साथ नहीं होते मेरे। अब से सभी को अकेले चलना होगा। उस्मान, हम मिलकर एक अजीम काम करेंगे उस्मान। तारीख भी हमें हमेशा याद रखेगी। क्या तुम अकेले ही रियासत कायम करोगे? मेरे पास तुम हो। ए, शुक्रिया शुक्रिया, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे कबूल किया, लेकिन इस बारे में बात नहीं कर रहा। वैसे क्या तुम्हारा कोई भाई भी है या कोई और दोस्त वगैरह? बताओ मुझे भी। ये बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो? अगर हम दोनों एक साथ चल रहे हैं और तुम्हारी भी हिफाजत करनी है मुझे, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन हमारे साथ है। तुम सवालात बहुत करते हो उस्मान, अभी के लिए इतना काफी है। अगर तो ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक खदशे के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा है कि मैंने यह सुना है कि तुम्हारे लश्कर में बगावत करने की कोशिश की जा रही है। तुम ये क्या कह रहे हो उस्मान? हकीकत है ये, हकीकत। तुम मेरे लश्कर को अभी जानते नहीं हो, लेकिन तुम जान लोगे। कमांडरों को अंदर भेजो।
वो लोग करारगाह की तरफ जा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो आयकुत, वो नैमान के पास ही जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्हें कुछ शक है। वो चले गए। अब नैमान का लश्कर अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। चलो, कोई नहीं है, करारगाह की तरफ जाते हैं। नायमान से सिपाही हिसाब लेंगे, टेंगरी को धोखा देने का हिसाब। उस्मान साहब का मंसूबा काम कर रहा है। चलो तुम लोग और क्या कर रहे हो यहाँ? आप लोग कहाँ से हैं? हम उस्मान साहब के कबीले से हैं। जल्दी में क्यों हो ये बताओ। वो लोग तुर्कमानों के बच्चों को तरबियत के लिए लेके जा रहे हैं। वो करीबी कबाइल के पास हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अब वो कहाँ पर हैं? हमने उनके कारवान के पीछे सिपाही भेजे हैं। वो करीबी कबाइल में गया है। वो बहुत ज्यादा है, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमें मदद की जरूरत है। उनकी तादाद ज्यादा है। जिस काम के लिए हम जा रहे थे वो अब तुम करोगे और हम इनके पीछे जाएंगे कुछ सिपाहियों के साथ। सिपाहियों को अपने साथ ले जाएं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं, अमानते अहम है, हम उन्हें कुछ हुए बगैर लोगों तक पहुँचाएंगे और अपनी हिफाजत भी करेंगे। बेटा, काम खत्म होने के बाद आप हमारे साथ शामिल होंगे। चलो। जैसा आप कहो। चलो आए, चले चलो। सिपाहियों, चलो। अब हम क्या करें जनाब? तकसीम कर रहे हैं वो। क्या तुम उसे जानते हो हुसैन? हमारा वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ सोना है। सिर्फ आज ही के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए। हम आक तैमूर के पीछे जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। मुझे आक तैमूर से अपना पुराना हिसाब भी चुकाना है। अगर वो मुझे सोना देते हुए मारा जाए तो मुझ पर कौन इल्जाम लगा सकता है? चलो। कारवां को हमने रोक लिया, लेकिन हमने सिर्फ कारवां नहीं रोका, हमने उस नायमान को भी रोक दिया। हमारे सरदार ने हमें यह हुक्म दिया और हमने अपना फर्ज समझकर उसे पूरा किया। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अब हम क्या करेंगे जनाब? वो बताएंगे बहादुरों ने अब क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बताएं?
तुरगुत साहब, हमने अपना काम कर दिया। इन अगुल के दोनों कैदियों को रिहा कर दिया। जबरदस्त। क्या वो इस बात से कायल थे कि नायमान ने इस्लाम कबूल कर लिया? वो अपना नाम भूल जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं भूलेंगे कि नायमान ने क्या किया। तुरगुत साहब, क्या वो गुस्से में थे? उनका खौफ गुस्से पर गालिब आ गया, लेकिन करारगाह के पास पहुंचने के बाद गुस्से ने खौफ की जगह ले ली। करारगाह में अब बगावत शुरू हो गई है। हाँ उस्मान साहब, चाल चलने वाले के खिलाफ जीत गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे कमांडरों, उस्मान कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से इत्तफाक नहीं रखते। हर एक सिपाही की सदाकत नायमान के साथ है। लश्कर सिर्फ मानने वालों पर मुश्तमिल है, कोई शक नहीं है नायमान। तुम्हारे कमांडर जानते हैं लश्कर के तमाम सिपाहियों के बारे में, फर्दन फर्दन जानते हैं, रहनुमाई करते हैं उनके और यकीन रखते हैं हर सिपाही पर। तुम्हें उनकी सदाकत का यकीन नहीं है क्या? क्या होगा अगर गजन खान एक खत भेजे तुम्हारी तरफ और हुक्म दे कि अपना लश्कर छोड़ दो? ऐसी सूरत में क्या करोगे? हम नायमान के वफादार हैं। तुम देख रहे हो उस्मान? लेकिन मैं जो देख रहा हूं यहां पर वो ये है कि सिर्फ क़यादत करने वाले ही वफादार हैं, लेकिन सिपाहियों का क्या? क्या करोगे उनका? एक कील एक नाल के लिए और नाल घोड़े के लिए और घोड़ा सिपाही के लिए, और एक सिपाही बहुत अहम होता है फतह हासिल करने के लिए और बगावत के लिए। मुझे यकीन है उस पर जो मैंने कहा। इस लश्कर में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। अपना ख्याल बदल लेना आसान नहीं है। वैसे ऐसा ही कर रहे हो, बल्कि तुम जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ठीक है, कमांडर सिपाहियों की हर बात सुनता है। चंगेज के बाद से ऐसा ही हो रहा है। मुझे बताओ आपका क्या मसला है? बोलो, खामोश क्यों हो तुम सब? ये कहे बगैर मर जाओ, ये तुम्हारा मसला है, हमारा नहीं। हम यहां क्यों आए हैं नायमान? इसे बोल ले दो, मुझे बताओ। हमने आपकी पैरवी की क्योंकि गजान खान ने अपना मकसद भुला दिया था, लेकिन आप नहीं भूले नायमान। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम हमारे दुश्मनों से मुख्तलिफ नहीं हो? बताओ तुम क्या कह रहे हो।
सुना है तुम मुसलमान हो गए हो। सारी फौज यही कह रही है। मैं मुसलमानों के साथ काम कर रहा हूं, ये सच है। और ये भी सच है कि मैंने मुसलमान सरदार की खातिरदारी की, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हुआ हूं। शमन, रस्म शुरू करो। वो तीन सिपाही जो बोले उन्हें माफ कर दिया जाएगा। वो बुजदिल जिन्होंने बगावत की कोशिश की और एक अल्फाज भी नहीं कहा, उन्हें करारगाह के दरमियान लटकाया जाएगा। जो अजीम कमांडर नायमान का हुक्म। बगावत का तुम्हें कैसे पता चला? क्या मेरे लश्कर के बीच में तुम्हारे जासूस हैं? मैं भी तो हिस्सा हूं इसका, और मैं जानता था इस बारे में पहले से। जब तुम मेरे कबीले आए थे और शेख अदाबाली से गुफ्तगू हुई थी और तुमने मेरे बेटे ओरहान का इलाज करवाया, तो ये अफवाह उसी वक्त ही फैल चुकी थी। मगर उभर कर अब सामने आई है। मैंने खबरदार किया था। एतमाद मुश्किल से कमाया जाता है, आसानी से खो दिया जाता है। खैमे में आओ। एक साथ हमला करेंगे खवातीन। चलो, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले काफिरों को मार डाले। अब हमला करें इन पर। किसी को नहीं छोड़ना, सबको मार डालो। Yeah!
बच्चों अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, बच्चों शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। चलो उठो शाबाश, आ जाओ, आहिस्ता 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 से आ जाओ, आ जाओ, चलो आओ मलहून। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तुम सब ठीक तो हो ना बच्चों? चलो चलिए इधर आ जाओ, आराम से बैठो। तुम सब ठीक हो ना? जी हाँ। ये पानी पियो। ये लो, अल्लाह का शुक्र है। चलो चलो उठो, चलते हैं। उठ जाओ, उठो, चलो, शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, चलो उठो। बोलो बाकी बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बाकी बच्चे बताओ, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। अब हमें ये पता लगाना है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। बाला खातून, मैं बहुत जल्द बच्चों को तलाश करके आपको खबर दूंगा। इन लोग हार का पता है तुम्हें? जब बच्चों का पता चले तो वहाँ आना, हम वहीं होंगे इंशाल्लाह। वो हमारे बच्चों से आखिर चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे खिलाफ लड़ें। इसकी इजाजत नहीं दे सकते हम, बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। आयशा, अब तैमूर को खबर भेजो, वो तादाद में ज्यादा है, हमें मदद की जरूरत है। हमें एक खबर और भेजनी है। किसको? उसे जो हमारी मदद करेगा। हमने कुछ सोना मुख्तस किया जनाब। ठीक, तो चलो फिर। जनाब, क्या हम ये काम निपटा कर जंग में शरीक होने जाएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह कुतलू, बिल्कुल जाएंगे। खवातीन भी फिक्रमंद है कि जब उस्मान साहब नाइमान के मंसूबों को वहां पर कुचल रहे हैं तो उसके बदले उनको सोना दिया जा रहा है। अब हम लोग उन पर आराम से हमला कर सकते हैं। चलो फिर। चलो जल्दी चलो। बताओ मुझे क्या हुआ? हम बाकी का सोना पहुंचा देंगे जनाब। हाँ, लेकिन ये बताओ कि खवातीन क्यों चली गईं? मुझे बताओ, उस्मान की तरफ से कोई खबर है क्या? खवातीन तमाम सिपाहियों के ताकुब में हैं, और उन्होंने उस्मान साहब के बारे में भी कुछ कहा है। क्या कहा? उस्मान साहब ने कमांडर नायमान के सामने घुटने टेक दिए। इंतहाई अहमक, ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? इसे रखो, सोने से ज्यादा कीमती चीज दी है तुमने मुझे। अब हम लोग वापस जाएंगे जनाब। और वो सोना? सोने से कीमती चीज मिल चुकी है मुझे। चलो
आज तुमने अपने फराइज मुकम्मल कर लिए हैं। शुक्र है मेरे पास तुम जैसा कमांडर है। तुमने अपनी तलवार मेरे मातहत की, मैं तुम्हें ये तलवार दूंगा। किसकी तलवार है बताओ? ये तलवार चंगेज खान की खिदमत करने वाले एक अजीम तुर्क की थी। ये नौयान की तलवार है। नौयान, तुम भी उसकी तरह मेरी खिदमत करोगे उस्मान?